25 खबरें 5 मिनट में। गुजरात के कच्छ में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ में पाक पर 18 अक्टूबर को फैसला होना है, लेकिन उससे पहले उसे किसी भी देश का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक पाक को डार्क ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक डॉजियर एफटीएफ में सौंपने वाला है। ये डॉजियर एफटीएफ में शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद एफटीएफ पाक पर फैसला लेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, एक संदिग्ध पाक नागरिक समेत दो आतंकवादियों ने बाग के मालिक के साथ भी मारपीट की। पुलिस के मुताबिक घाटी में फलों से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से हताश होकर आतंकवादियों ने शीरमाल गांव में हमला किया। मृतक की पहचान शरीफ खान के रूप में की गई है। हरियाणा में पीएम मोदी की आज चुनावी रैली, चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र के थानेसर में होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। रोहाना की जनसभा में ना पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जनता से माफी मांगी और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की तारीफ की। कहा, प्रदेश के विकास में बराला का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की रैली में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज कई चुनावी कार्यक्रम हैं। नानौर, टोहाना, फतेहाबाद के साथ कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे। नारायणगढ़ और अंबाला शहर में कुमारी सैलजा जनसभा करेंगी। शिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दादरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम की दादरी रैली पर बोलते हुए धर्मवीर सिंह ने कहा कि दादरी के खेतों में करीब 50 एकड़ भूमि पर पीएम रैली का स्थल तैयार किया गया है। सांसद ने कहा कि रैली को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य मार्ग के एक तरफ पार्किंग और दूसरी तरफ सभा स्थल तैयार किया गया है। रैली में दक्षिण हरियाणा के 18 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे। रोहाना में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान कई गांवों का भी दौरा करेंगे, साथ ही जनता से वोट की अपील करेंगे। यूपी में 25,000 होमगार्ड बेरोजगार हो गए हैं। योगी सरकार ने सोमवार को बजट का हवाला देकर इनकी ड्यूटी खत्म कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के बराबर वेतन किए जाने के बाद बजट का भार बढ़ गया। इसे बैलेंस करने के लिए होमगार्डों की छंटनी हुई है। कानून व्यवस्था में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की संख्या भी 32% तक की इसमें कटौती की गई है। एडीजी के आदेश के बाद 25,000 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त की गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नागपुर में कहा कि वो बाबा साहेब की तरह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। नागपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर इसका फैसला करेंगी। मायावती ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने देहांत से कुछ वक्त पहले अपना धर्म परिवर्तन कराया था। आप लोग मेरे धर्म परिवर्तन के बारे में भी सोचते होंगे। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि मैं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने के लिए दीक्षा अवश्य लूंगी, लेकिन ये तब होगा जब इसका सही वक्त आ जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पश्चात विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं राजगढ़ और चंदोल में चुनावी जनसभा करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश मंत्रिमंडल भी मौजूद रहेगा। यूपी में 11 सीटों पर उपचुनाव के लिए सीएम योगी प्रचार करेंगे। प्रतापगढ़ में अपने दल प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में भी प्रचार करेंगे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के छोटे बेटे की शादी रीवा की राजकुमारी से हुई है और सीएम त्रिवेंद्र रावत, राज्यपाल बेनी रानी मौर्य समेत कई मंत्री और बॉलीवुड सितारे इसमें शामिल हुए। मिर्जापुर में किसानों का धरना अब तक जारी है। 50 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन पर दो किसान बैठे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी दी है। बुलंदशहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें एडीएम वित्त मनोज कुमार सिंगल ने फीता काटकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। अभिजीत बैनर्जी को मिले इस नोबेल पुरस्कार को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।
जावेद अख्तर ने भी ट्वीट कर इस पर अपना रिएक्शन दिया है। जावेद अख्तर का ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर ने अभिजीत बैनर्जी को 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर ट्वीट लिखा है। भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी को दो अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ नोबेल प्राइज मिला है, पूरे राष्ट्र को इसके लिए बधाई।